एमपी का चुनाव बहुत ही विशेष माना जा रहा है। इसी पर विशेष वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, किस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव देखते हैं, कितना अहम माना जाता है? मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है इस बार, क्योंकि 18 सालों से बीजेपी की सरकार है। बीच में सरकार बदली गई थी पिछली बार में, लेकिन कांग्रेस में टूट हो गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया। तो इस लिहाज से 5 महीने में पार्लियामेंट का भी चुनाव है, तो हर दृष्टि से मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, कुछ सीटों पे सपा भी है, बसपा भी है, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में पैसे का बहुत बोलबाला है। जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, इतना पैसा खर्च कर रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मध्य प्रदेश का आपने चुनाव पूछा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतें, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जीतें। सर, सभी पार्टियों से अगर अलग मैं बात करूं, तो जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की कोशिश में है? जन अधिकार पार्टी दो महत्वपूर्ण बातें कहती है। जिस दिन से हम लोगों ने गठन किया, उसी दिन से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना निकल करके आए कि किसकी आबादी कितनी है, और फिर उस आबादी के हिसाब से सबको हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, और एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे गरीब का बेटा है या अमीर का बेटा है। आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पढ़ाई दो तरह की है। एक तरफ गरीब और किसान का बच्चा है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। एक तरफ बड़े आदमी का बच्चा जो शहरों में है, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढ़ता है, और वो भी प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में शहर के हर व्यक्ति नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता। अब एक तरफ प्राथमिक विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा, एक तरफ CBSE ICSE का पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा, दोनों जब कंपटीशन में बैठते हैं तो वो तो बेचारा पहले ही हार मान लेता है, जो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा है, कि मैंने तो CBSE ICSE पढ़ी नहीं, मैंने तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी नहीं। तो हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा अच्छे संसाधन में पढ़ ले, गरीब का बच्चा कम संसाधन में पढ़ ले, गर्मी में बैठ के पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा AC में पढ़ के बैठ ले, हमारा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा एक तरह की हो, ताकि जब वो पढ़ के जाए तो उसके मन में ये ना रहे गरीब के बच्चे के कि मैंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी। मध्य प्रदेश चुनाव में जन अधिकार पार्टी किस पार्टी को प्रतिद्वंद्वी मान रही है? देखिए, हमारे लिए तो जो हमारे सामने हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। दोनों को हम चाहते हैं कि इनको हरा करके हम जीते। अब वहाँ की आम जनता क्या करती है, जनता तो जनार्दन है, उनका आशीर्वाद किसको मिलता है, अब ये देखना है। अगर जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत लेकर आती है, या बिना जन अधिकार पार्टी के बहुमत के लिए सरकार नहीं बनती है, तो मुख्य जो सुधार है वो क्या होगा मध्य प्रदेश में? अगर हमारी ऐसी स्थिति आई कि हमसे किसी ने मदद ली, तो हम लोग जो चाहते हैं, जाति जनगणना और एक समान शिक्षा पद्धति, सबसे पहले हम इस पर काम करना चाहेंगे। और किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, और खाद भी सस्ती हो, उसके किस फसल की सही कीमत हो। सर, चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? हम मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से, कि आपको 17 तारीख को जो आपके मुद्दे नहीं हैं, जो उन पर लोग भटकाए हुए हैं, उन पर वोट नहीं देना है। आपको इस पर वोट देना है कि आपके बच्चे की शिक्षा की बात कौन कर रहा है, उसके रोज़गार की बात कौन कर रहा है, किसान के हित की बात कौन कर रहा है, और वो बात जन अधिकार पार्टी करती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि निवेदन करूँगा, अपील करूँगा मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश के वासियों से, कि आप जन अधिकार पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, हम आपके साथ हमेशा। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।